तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी महिंद्रा महिंद्रा थार के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस गाड़ी को पहले लोग सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे ये गाड़ी फैमिली कार होती जा रही है। साथ ही इस गाड़ी का क्रेज इतना ज्यादा हो गया है कि कई सिटी में इस गाड़ी की तो एक एक साल तक की वेटिंग भी जा रही है। अगर आप अपनी महिंद्रा थार में कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, महिंद्रा थार जब से इंडिया में लॉन्च हुई है, इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है। तो चलिए देखते हैं महिंद्रा थार के 7 टॉप मॉडिफिकेशन। शुरुआत करते हैं नंबर 1 वेनम से। इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आता है और ये महिंद्रा थार का बेस वेरिएंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ, गॉड स्पीड। आप में से कई भाइयों को व्हाइट कलर की गाड़ियां भी काफी पसंद होंगी और ये है महिंद्रा थार का टॉप वेरिएंट, जिसकी मॉडिफिकेशन कॉस्ट आती है लगभग 60,000 रुपए। आज आप जिन गाड़ियों की भी मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं वो सिर्फ एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में नंबर 3 की तरफ, जो कि वैनम की ही बहन है, कार्नेज। ये भी महिंद्रा थार का टॉप लाइन वेरिएंट है। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में एलईडी का काफी अच्छा मॉडिफिकेशन किया गया है और वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फुटरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है और इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए आपको लगभग 72,000 रुपए के आसपास देने होंगे। अब बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ, पिंक पैंथर। ये महिंद्रा थार का बेस वेरिएंट है। इस गाड़ी के फ्रंट और रियर बम्पर में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं, साथ ही इस गाड़ी का कलर भी चेंज किया गया है। अगर आप भी पिंक कलर के दीवाने हैं तो आप डेफिनेटली इस कलर के साथ जा सकते हैं। इस गाड़ी की टोटल मॉडिफिकेशन कॉस्ट हो जाती है 25,000 रुपए। तो आइए बढ़ते हैं इस लिस्ट में नंबर 5 की तरफ। इस गाड़ी को कम्प्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट लुक दिया गया है। ये महिंद्रा थार का टॉप लाइन वेरिएंट है। इस गाड़ी के हेडलाइट को भी मॉडिफाइड किया गया है। काफी हद तक इसका लुक जीप की रैंगलर की तरह लगता है। अगर आप भी इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो लगभग 28,000 रुपए आपको पे करने होंगे। तो आइए इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। इस लिस्ट में जो अगला नाम है, सोल्जर। इस गाड़ी का लुक काफी हद तक हमारे इंडियन आर्मी से इंस्पायर्ड लगता है, तभी इसका नाम सोल्जर रखा गया है। इस गाड़ी के हेडलाइट, रियर और फ्रंट बम्पर को चेंज किया गया है। अगर आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो लगभग 42,000 रुपीस यानी कि 42,000 रुपए आपको पे करने होंगे। तो आइए देखते हैं नंबर 7 यानी कि लास्ट मॉडिफिकेशन। तो ये है महिंद्रा थार का टॉप लाइन वेरिएंट, जिसके अलॉय व्हील को काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है। साथ ही इस गाड़ी के हेडलाइट में राउंड शेप में TRL लगाए गए हैं। अगर आप भी इस तरीके की मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो लगभग 52,000 रुपए यानी कि 52,000 रुपीस आपको पे करने होंगे। अगर आपके पास भी महिंद्रा थार है तो आप इनमें से कोई भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। मॉडिफिकेशन से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो हमसे जरूर शेयर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। A few moments later. तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो से जुड़े कोई सवाल हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, ड्राइव सेफ।